गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास LKG टर्न 1 सब्जेक्ट इंग्लिश, इसकी एक्टिविटी बुक ओपन कर लीजिए। पिछली वीडियो में आप सभी बच्चों को किसकी प्रैक्टिस कराई थी? अल्फावेट सी, अल्फावेट सी कर्सिव। ओके, ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 37 पर आज आप प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल अल्फाबेट डी। ओके, और यहाँ डेट नोट कीजिएगा, और इस पेज को आपको होमवर्क में दिया गया था तो आप फिल कर लीजिएगा, और डी जो है अब आज आप मेरे साथ लिखना सीखेंगे। ओके, किस तरह से? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन और ब्लैक लाइन के अंदर हाफ सर्कल से ज्वाइन करना है, बन जाएगी स्मॉल डी। ओके, और डी फॉर गोता क्या है? पिक्चर में देखिए, डी फॉर ड्रम, इस ड्रम को बजाया जाता है। ओके, डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम, इस तरह से बोलते हुए और ये डॉटेड वाली लाइन पर पेंसिल को फेरते जाइएगा, और आप सभी बच्चों को स्मॉल अल्फाबेट डी बनाना आ जाएगा। ओके, डी फॉर ड्रम, 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 ये आगे की लाइनें आप स्वयं फिल कर लीजिएगा। ओके, पेज को टर्न कर लीजिए। इस पेज पर 38 पर यही दिया गया है, स्मॉल अल्फाबेट डी, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, डेट नोट कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके, एक लाइन में आपको बनाकर बता देती हूँ फिर से, डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी। मैडम, बच्चे बोलेंगे कि मैडम तो अभी बोल रही थी ड्रम और बोल रही है डैडी। हाँ जी, डी फॉर ड्रम भी होता है और डी फॉर डैडी भी होता है। हाँ, ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर आइए, इस पर कर्सिव अल्फाबेट डी, और सबसे पहले डेट नोट करिएगा। अब इस कर्सिव अल्फाबेट डी की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह से। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी लाइन, जिसको लाइन भूल गए हो तो लाइन को बोलिएगा, ये है स्लाइडर लाइन, और स्लाइडर लाइन से टर्न करते हुए आप जाना है हाफ सर्कल की तरह, और इसको राउंड शेप में इस तरह घुमाना है। ओके, क्या बन जाएगी? कर्सिव अल्फाबेट डी, और बार बार बोलकर और लिखकर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सभी बच्चे बार बार लिखेंगे और बोलेंगे तो बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह से आप बनाना सीख जाएंगे। कर्सिव अल्फाबेट डी, कर्सिव अल्फाबेट डी, कर्सिव अल्फाबेट डी, बार बार बोलते जाइएगा और
बनाते जाइएगा। स्मॉल अल्फाबेट नो, कर्सिव अल्फाबेट डी। ओके, कर्सिव अल्फाबेट डी, कर्सिव अल्फाबेट डी, कर्सिव अल्फाबेट डी। इस तरह से आगे की जो लाइनें हैं आपको फिल करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।